ठीक है। चलिए देखिए, हम लोगों का जो मेन काम है, ठीक है, हम लोग का मेन काम है सर्विस प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम लोग दो तरह का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। पहला सर्विस प्रोवाइड करते हैं पैसेंजर को ढोके, पैसेंजर को, ठीक है, जो कॉमन पीपल है, जो भी है, उसको ढोके हम लोग सर्विस प्रोवाइड करते हैं। उसमें हम लोग जितना कोचिंग ट्रेन होगा उसको आराम करते हैं, ठीक है। और दूसरा सर्विस हम लोग देते हैं माल को ढोकर के, जो सामान रहता है, ठीक है, जैसे गेहूं, चावल, सीमेंट, ठीक है, कोयला, ये सब को ढोकर के भी हम लोग क्या करते हैं, एक सर्विस देते हैं, है ना। आज हम लोग देखेंगे जो मालगाड़ी रहता है, ठीक है, जो मेरा गुड्स ट्रेन रहता है, ठीक है, गुड्स ट्रेन, ठीक है, गुड्स का मतलब होता है सामान, ठीक है। तो गुड्स ट्रेन जो हो गया, फ्रेट ट्रेन जो होता है, ठीक है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो उसमें हम लोग आज देखेंगे वागन नंबरिंग सिस्टम को, ठीक है। तो वागन नंबरिंग सिस्टम में देखेंगे कि इसका जो नंबर आता है, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे कि इसका मीनिंग क्या होता है। तो जो वागन नंबरिंग रहता है इसमें टोटल 11 डिजिट रहता है, ठीक है। टोटल कितना डिजिट रहता है? 11 डिजिट। टोटल 11 डिजिट रहेगा, ठीक है। उसमें सबका एक एक मीनिंग है, ठीक है। तो ये सारा जो 11 डिजिट है, ये 11 डिजिट वागन का नंबर नहीं है, ठीक है। वागन का सिर्फ चार नंबर होता है, चार डिजिट जो रहता है वो वागन नंबर होता है। वो बताएंगे कि कौन सा चार डिजिट वागन नंबर है, ठीक है। तो वागन नंबरिंग सिस्टम को समझने से पहले हम लोग पहले टाइप्स ऑफ वागन देख लेते हैं, ठीक है, कि वागन का टाइप कितने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक। तो जो वागन का टाइप रहता है, सबसे पहला टाइप होता है ओपन वागन, ठीक। क्या होता है? ओपन वागन होता है। ओपन वागन वैसे वागन को बोलेंगे जिसका ऊपर वाला हिस्सा ओपन खुला हुआ है, ऊपर वाला हिस्सा खुला हुआ है, ठीक है, उसको बोलेंगे ओपन वागन। लेकिन उसमें एक कंडीशन है, नीचे डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए, साइड डिस्चार्ज होना चाहिए, ठीक है। बीओबीआरएन में भी मेरा ऊपर में ओपन रहता है, लेकिन वो मेरा ओपन वागन नहीं है, ठीक है, उसमें बॉटम डिस्चार्ज होता है, ठीक। तो हमको ध्यान रखना है, जो साइड डिस्चार्ज हो और ओपन ऊपर में हो उसको बोलेंगे ओपन वागन, ठीक है। ओपन वागन में आपका जितना भी बॉक्सन वागन हो गया, बोस्ट वागन हो गया, ये सारा आपका जो है बॉक्सन एचएल जो भी है, ये सारा मेरा ओपन वागन में आ जाएगा, ठीक है। तो जो ओपन वागन हो गया, ये बोला मेरा हो गया ओपन वागन। दूसरा टाइप होता है कवर वागन, ठीक है, दूसरा टाइप होता है कवर वागन। तो ओपन वागन का हम लोग वहां पे यूज करेंगे जहां पे जो मटेरियल हम लोग ढो रहे हैं वो मटेरियल पानी से खराब नहीं हो। तो जहां पे पानी से खराब नहीं होने वाला मटेरियल रहेगा, जैसे कि मेरा कोयला हो गया, ठीक है, जो कोयला हो गया और आपका जो हो गया लाइम स्टोन हो गया, है ना। तो इस तरह का जो भी मटेरियल है उसको हम लोग ओपन वागन से धोने का कोशिश करते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग धोते हैं, ठीक। तो साइड डिस्चार्ज वाला हो गया ये वाला सिस्टम, तो ये ओपन वागन का हम लोग यूज कर देख लिया अभी। उसके बाद हम लोग देखेंगे कवर वागन, दूसरा होता है कवर वागन। कवर का मतलब जो ऊपर से कवर हो, जो ऊपर से कवर होगा उसको बोलेंगे कवर वागन, ठीक है। वैसे वागन का हम लोग वहां पे यूज करेंगे कवर वागन का, जहां पे मटेरियल जो हम लोग धो रहे हैं वो अगर पानी से खराब होने वाला है, ठीक है, वहां पे हम लोग कवर वागन का यूज करेंगे। जैसे कि मान चलिए आपका गेहूं धोना है हमको, सीमेंट धोना है हमको, चावल धोना है हमको, वो सारा पानी पड़ने से खराब हो सकता है। तो अगर वो पानी से खराब हो जाएगा तो उसके लिए हम लोग कवर वागन का यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद होता है टैंक वागन, ठीक है। टैंक वागन का यूज हम लोग वहां पे करेंगे जहां पे हम लोग को, जैसे मतलब वेजिटेबल आयल हो गया, ठीक है, वेजिटेबल आयल हो गया उसको ढोना है, पेट्रोल को ढोना है, ठीक है, डीजल को ढोना है, एलपीजी को ढोना है, ठीक है, जो गैस होता है उसको ढोना है। तो अगर ऐसे सामान को हमको ढोना है तो वहां पे हम लोग क्या यूज करेंगे? टैंक वागन, ठीक है। वो कवर तो चारों तरफ से रहेगा ही, ठीक है, एक सिलेंडर टाइप का रहेगा, ठीक है, सिलेंड्रिकल टाइप का रहेगा, उसमें वाल्व लगा रहता है, ठीक है, कहीं से लीकेज ना हो, ठीक है, वो पूरा आपका जो है बहुत ज्यादा सिक्योर रहता है, ठीक है। नहीं तो उसमें गैस ढो रहे हैं, पेट्रोल ढो रहे हैं, पता चला सारा पेट्रोल उड़ गया, है ना। तो वहां पे क्या होता है? टैंक वागन, टैंक वागन हो गया। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं दूसरा टाइप जो होता है वो होता है फ्लैट वागन, ठीक है। फ्लैट वागन का यूज हम लोग वहां पे करते हैं जिसमें आपका जो है, जैसे मान चलिए हमको ये रेल को ढोना है, है ना, रेल का पटरी को अगर ढोना है तो हम लोग जनरली फ्लैट वागन का यूज करते हैं, ठीक। तो फ्लैट वागन आपका बीआरएन वागन हो गया, है ना, बीएलसी वागन हो गया, तो ये सब वागन जो है ये मेरा फ्लैट वागन में आएगा, ठीक, फ्लैट वागन हो गया। उसके बाद होता है हॉपर वागन। हॉपर वागन हम लोग वैसे वागन को बोलते हैं जो इसमें नीचे में हॉपर हो, जिसका बॉटम में डिस्चार्ज हो, ठीक है, साइड में नहीं होगा, यहाँ पे होगा, नीचे में होगा, बॉटम में होगा, ठीक है। अभी दिखाएंगे बीओबीआरएन वागन को दिखाएंगे, है क्या इधर। तो बीओबीआरएन हम लोग देखेंगे उसमें, उसको जो है उसको बोलते हैं हॉपर वागन, ठीक है, हॉपर टाइप का रहता है। हॉपर वागन हो गया।
और एक होता है वेल वागन, ठीक है, वेल वागन, उसमें हम लोग मिलिट्री सबका भी सामान यूज होते हैं, है ना, वेल टाइप का वागन होता है। और एक टाइप का होता है वेल के बाद हम लोग लेते हैं ब्रेक वन को, ठीक है। ब्रेक वन में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका गार्ड बैठते हैं पीछे में, ठीक है ना, तो ब्रेक वन का हम लोग यूज करते हैं लास्ट में यूज करते हैं। तो ये इतना टाइप का वागन होता है, ठीक। तो अभी हम देखेंगे इसका जो सिस्टम है, इसका जो नंबर सिस्टम है, वागन नंबरिंग सिस्टम, इसका सबका एक एक मीनिंग है, इसका मीनिंग को समझेंगे, ठीक है। जो पहला दो डिजिट है, पहला दो डिजिट, ठीक है, इसके टाइप को बताता है, पहला दो डिजिट इसके टाइप को बताता है, ठीक है, कि कौन सा टाइप का वागन है। अगर मेरा पहला दो डिजिट 10 से लेकर के 29 तक है, 10 से लेकर के 29 तक, ठीक है, तो वो मेरा होगा ओपन वागन। 10 से लेकर के 29 तक कैसा मेरा वागन होगा, ओपन वागन होगा, ठीक है। उसमें आपका बॉक्सिंग हो गया, ठीक है, जो बॉक्सिंग एचएल हो गया, बोस्ट हो गया, ये सारा मेरा 10 से 29 के बीच में आएगा, ठीक है। और अगर यहाँ पे शुरू में अगर 22 है, मतलब वो बॉक्सिंग एचएल वागन है ना, अगर 22 है तो एचएल वागन है, 10 से 29 ओपन वागन के अंदर में अगर 22 है तो मेरा एचएल वागन, ठीक है। ये वाला हो गया मेरा टाइप का, 10 से लेकर के 29 ओपन वागन, समझ में आ गया। उसके बाद पहला दो डिजिट को ही हम देखेंगे, अगर पहला दो डिजिट 10 से 29 के बीच में मतलब ओपन वागन, ठीक है, 30 से लेकर के 39, 30 से लेकर के अगर 39 के बीच में है तो वो मेरा कवर वागन है, ठीक है, ऊपर से अगर कवर है, ठीक है, वो मेरा 30 से लेकर के 39 होगा, ठीक है। ये वाला कवर वागन हो गया। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं टैंक वागन पे, ठीक है, टैंक वागन में होता है मेरा 40 से लेकर के 54 तक, ठीक है, 40 से लेकर के 54 तक अगर है तो उसको हम लोग बोलते हैं टैंक वागन, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, टैंक वागन बोलते हैं, ठीक। कितना हो गया, 54 तक, 54 तक हो गया, है ना, टैंक हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग फ्लैट वागन, फ्लैट वागन ना, फ्लैट वागन होता है 55 से लेकर के 69 तक, 69 तक, और 55 से लेकर के 69 तक है, ठीक है, तो वैसे वागन को हम लोग बोलते हैं फ्लैट वागन, ठीक है, फ्लैट वागन हो गया मेरा। उसके बाद फ्लैट वागन के बाद हो गया, हम लोग आ जाते हैं हॉपर वागन पे, ठीक है। तो अगर हॉपर वागन में आपका आएगा 70 से लेकर के 79 तक, ठीक है, 79 तक आएगा, ये उसको बोलते हैं हॉपर वागन, ठीक है, हॉपर वागन हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं टाइप में ही 79 तक हो गया, 80 से लेकर के 84 तक, ठीक है, इसको बोलते हैं वेल वागन, वेल वागन हो गया। उसके बाद हम लोग लेते हैं 85, ठीक है, 85 से लेकर के 89 तक, ठीक है, 89 तक, उसमें हम लोग तीन याद रखेंगे, 85, 86, 87। अगर मेरा पहला दो 85 है मतलब वो है मेरा BBZC, ठीक है, और अगर 86 है तो वो है BBZI, 87 है मतलब BBCM, ठीक है, ये हो गया, ये मेरा हो गया आपका सारा वागन का टाइप, ठीक है, ये मेरा हो गया पहला दो डिजिट वाला खेला, है ना। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दो डिजिट पे, ठीक है, जो दूसरा दो डिजिट है, ठीक है, वो इसका ओनिंग रेलवे को बताता है कि ये कौन सा रेलवे का है, है ना, जैसे हो गया हमारा ECR हो गया, साउथ सेंट्रल जो भी है, ये हो गया मेरा ओनिंग रेलवे। अगर मान चलो यहाँ पे देखो 22 है ना, देखिए यहाँ पे, और 22 के बाद जो दो डिजिट है मेरा 05 है यहाँ पे, तो हम लोग 01 से शुरू करते हैं। अगर मेरा 01 है तो वो हो गया मेरा सेंट्रल रेलवे, ठीक है, 01 हो गया मेरा सेंट्रल रेलवे, 02 हो गया ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, 03 हो गया नॉर्दर्न रेलवे, 04 हो गया नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, 05 हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे NF रेलवे, ठीक है, 06 अगर है तो वो हो गया मेरा सदर्न रेलवे, ठीक है, 07 का मतलब होता है साउथ ईस्टर्न रेलवे, ठीक है, 08 है अगर पहला दो डिजिट है, नेक्स्ट दो डिजिट वाला जो, ठीक है, दो छोड़ करके दो डिजिट, अगर 08 है मतलब वो है वेस्टर्न रेलवे, है ना, 09 है तो वो हो गया साउथ सेंट्रल रेलवे, ठीक है, साउथ सेंट्रल है तो 09 होगा, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 10 पे, ठीक है, 10 होता है ECR, ईस्ट सेंट्रल रेलवे, ठीक है, अगर 10 है तो मतलब ECR हो गया, ठीक है। अगर जो तीसरा चौथा डिजिट है मेरा, ठीक है, वो अगर 11 है, 11 मतलब होता है NWR, ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे,
एन डब्ल्यू आर हो गया 11, ठीक है। 12 होता है ईस्ट कोस्ट रेलवे, 12 हो गया ईस्ट कोस्ट रेलवे, ठीक है। 13 हो गया आपका एनसीआर, ठीक है, नॉर्थ सेंट्रल रेलवे, एनसीआर है ना 13। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग 14 पे, 14 होता है साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, SECR 14, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम लोग 15 पे, ठीक है, SWR, ठीक है, साउथ वेस्टर्न रेलवे है तो वो हो गया मेरा 15, ठीक है। उसको जाते हैं 16, वेस्ट सेंट्रल रेलवे होता है 16, ठीक है। ये सारा कोडिंग है मेरा तीसरा और चौथे डिजिट का, ठीक है, जो मेरा तीसरा और चौथा डिजिट है इधर से, ठीक है, इस साइड से लेफ्ट से, वो हो गया मेरा कौन सा ऑनिंग रेलवे का, ठीक है, ये किस रेलवे का है, ऑनिंग रेलवे हो गया। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट दो डिजिट पे, यहाँ पे जो पांचवा और छठा डिजिट है, तो पांचवा छठा डिजिट हो गया इसका जो किस साल में ये बिल्ड हुआ है, जिस साल में ये बना है वो इसका दिखाता है कि किस साल में बना है। यहाँ पे देखिए, इधर दिखाइए, यहाँ पे है 18, पांचवा छठा डिजिट जो है मेरा 18 है, 18 है, मतलब इसका हो गया मतलब ये 2018 में बना है। ये वागन कब बना है? 2018 में बना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट चार डिजिट पे, ठीक है, जो हमें मेरा 1021 है, वो हो गया मेरा इसका नंबर, वागन का नंबर, एक्चुअल में जो वागन का नंबर है ये मेरा हो गया 1021, ठीक है। और लास्ट वाला डिजिट जो होता है वो होता है चेक डिजिट, कि ये नंबर सही है कि नहीं, पूरा जो नंबर है वो सही है कि नहीं, उसको चेक डिजिट बोलते हैं। तो ऊपर में देखिए 10-24 लिखा हुआ है, ठीक है, 10-24 का मतलब होता है जो वागन जब बनता है ना, वागन जब बनता है तो उसमें तीन चीज को हमको याद रखना है, एक पीएच, एनपीएच, आरओएच, ठीक है। तो पीएच जो होता है वो अलग अलग डेट में जो होता है, जैसे मेरा बॉक्सिन एचएल वागन है, ठीक है, वो अगर जब बन के निकलेगा तो उसका जो वागन का जो पीएच होगा वो 6 साल पे होगा, ठीक है, जो पहला होगा है ना, ये 6 साल पे रिटर्न होता है, जो खड़गपुर फिर से जाएगा ये, ठीक है, या फिर पीएच होकर आया तो ये फिर जो आपका जो है 6 साल के बाद जो है फर्स्ट जैसे हो गया। उसी तरह से अगर नॉर्मल वागन है मेरा तो 4.5 साल पे, जो पहला है वो मेरा 6 साल पे जाएगा, ठीक है, जो बॉक्सिन एचएल हो गया, बॉक्सिन एमोन हो गया, बॉक्सिन जो है आर को छोड़ कर दिया, ठीक है, वो आपका जो फर्स्ट पीएच होगा वो 6 साल का होगा, उसके बाद का पीएच होगा वो 4.5 साल का होगा, ठीक है, वो नॉर्मल वागन में, ठीक। उसी तरह से जो एचएल वागन है ये इसका जो रिटर्न ये होता है 6 साल पे। यहाँ पे देखिए ये पीएच का डेट लिखा हुआ है 25/10/18 है ना। अब देखिए यहाँ पे 10वां महीना है 2018 में ये इसका ये पीएच हुआ है ना, तो 2018 में आप 6 साल जोड़ दीजिए कितना होगा 24। देखिए वहां पे 24 लिखा हुआ है, 10-24 लिखा हुआ है, मतलब 6 साल पे रिटर्न होके फिर से खड़गपुर जाएगा, खड़गपुर जैसे आसपास का जो भी वर्कशॉप है वहां पे ये रिपेयर होने जाएगा, ठीक है, हैवी रिपेयर होगा था वहां पे, वो आपका पूरा खोल खाल के जितना है सबको आपका नया बना देगा, नया की तरह बना देगा है ना, पूरा ग्रीसिंग व्रीसिंग जो भी है उसको बोलते हैं पीएच, ठीक है। पीएच का फुल फॉर्म होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, ठीक है, पीएच हो गया। उसके बाद 2 साल के बाद, उसका 2 साल के बाद हम लोग लेते हैं आरएच, ठीक है, 2 साल के बाद क्या लेते हैं आरएच लेते हैं, ठीक है, जो आपका बॉक्सिन एचएल वागन है उसमें हम लोग 2 साल पे आरएच करेंगे, ठीक है, 18 महीना पे नॉर्मल वागन का, 18 महीना पर, तो जो कन्वेंशनल वागन है उसमें 18 महीना पे इसका आरएच होगा, ठीक है, रूटीन ओवरहॉलिंग, आरएच का फुल फॉर्म क्या होता है रूटीन ओवरहॉलिंग, ठीक है। एक होता है एन पीएच, ठीक है, एन का मतलब होता है नॉन, पीएच का मतलब पीएच, पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, नॉन एन पीएच का मतलब हो गया, एन पीएच का हो गया नॉन पीरियोडिक ओवरहॉलिंग, एन पीएच, ठीक है, अगर माइनर रिपेयर है मेरा जो कि सी ग्लैंड में नहीं हो सकता है तो हम लोग यहाँ पे एन पीएच के लिए भेज देंगे, ठीक है, ये हो गया मेरा एन पीएच, ठीक है, तो इसको हम लोग समझ लिए, ठीक। उसके बाद देखिए जब वागन जब बनता है ना, जब नया नया वागन बनेगा तो यहाँ पे एक तो जो है आपका इसका जो वारंटी रहता है, ठीक है, वागन का एक वारंटी रहता है कि इतना दिन के अंदर, सब कुछ का अलग अलग वारंटी रहता है, सीटीआरबी का अलग रहेगा है ना, सब कुछ का अलग अलग वारंटी रहता है, ठीक। तो ये जो है आपका यहाँ पे वागन नंबर, यहाँ पे सब कुछ डेट वेट लिखाता है, ठीक है, इसको बोलते हैं आपका जो है वारंटी के लिए, ठीक है, कि कौन बनाया वागन, कितना दिन का वारंटी लिया है, कब तक वारंटी है, ये सारा कुछ यहाँ पे लिखा रहेगा, ठीक है। हम लोग आज सीखे क्या क्या सीखे, वागन का टाइप सीखे, वागन का नंबरिंग सीखे, पीएच, आरएच, एनपीएच, ये सारे चीज हम लोग आज सीखे, ठीक है, उस पर जो है आपका सारा वागन का नंबरिंग टाइप जो भी है सारा कुछ हम लोग सीखे है ना। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।